नमस्कार दोस्तों, ये आज हम लेशन 3 पढ़ने जा रहे हैं, साइलेंट रेवोल्यूशन, जिसका मतलब होता है मौन क्रांति। क्रांति से होता है मतलब बदलाव, ठीक। तो साइलेंट रेवोल्यूशन का मतलब मौन क्रांति। तो क्या मौन क्रांति हुआ है, तो इसमें SMS के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मैसेज करके किसी के पास अपने मैसेज को, अपने संदेश को भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन है, दिस इंटरेस्टिंग पीस पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स टॉक्स अबाउट वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज SMS। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाई कुणाल वर्मा। बोल रहा है कि ये जो इंटरेस्टिंग पीस है, मतलब एक रोचक खंड जो है, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, हिंदुस्तान टाइम के द्वारा, पटना एडिशन के द्वारा, जो कि बात करता है अभी के सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बात करने का साधन या जरिया, ठीक है, माध्यम। उसका नाम क्या है, SMS। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। दिस पीस हैज़ बीन रिटन बाई कुणाल वर्मा, ये जो खंड है कुणाल वर्मा द्वारा रचित है, ठीक। अब हम लोग पहले पैराग्राफ पे आते हैं। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और SMS। SMS का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, वाज कंसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन डिजिटल स्टैंडर्ड। जो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है, ये पूरे ग्लोबल सिस्टम का एक पार्ट हो गया है, अभिन्न अंग हो गया है, ठीक है, मोबाइल कम्युनिकेशन का, मोबाइल से बात करने का एक डिजिटल स्टैंडर्ड है, मानक है, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज अल्फा न्यूमेरिक एट मोबाइल फ़ोन। इसकी क्षमता है कि ये भेज सकता है और रिसीव कर सकता है मैसेज, क्या, SMS, ठीक है, और वो भी कैसा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मतलब ABCD जो लिखा जाता है इंग्लिश में, और न्यूमेरिक मतलब नंबर से, ठीक है। मोबाइल फ़ोन पे हम लोग इसे मैसेज सेंड कर सकते हैं। SMS लाइक ईमेल इज ए स्टोर एंड फॉरवर्ड सर्विस डैट यूटिलाइज गेटवे टू सेंड मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसिपियंट्स। SMS क्या है, एक ईमेल है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, जो कि स्टोर करता है मैसेज को और फॉरवर्ड करता है। फॉरवर्ड मतलब भेजता है, ठीक है, आगे करता है, ताकि वो उसका यूटिलाइज करके वो उस मैसेज को उस सेंडर से, मतलब सेंडर मतलब भेजने वाले से, रिसिपिएंट के पास जा सके वो मैसेज, ठीक है। चलिए हम दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। हाउएवर मैसेज आर नॉट सेंड डायरेक्टली फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर बट आर रूटेड थ्रू ए शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। हालांकि मैसेज जो है ये डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, कि ये नहीं कि एक आदमी से डायरेक्ट दूसरे आदमी के पास चला गया, नहीं, ये पहले जाता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के पास, जो सेंटर है जहाँ पे कॉल सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे पहले जाता है मैसेज, फिर उसके थ्रू रिसिपिएंट जिसके पास आप भेजना चाहते हैं वहाँ तक जाता है, ठीक है। ये क्यों होता है, तो दिस इंश्योर डैट द मैसेज इज़ डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल इवन इफ़ इट इज़ स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ कवरेज एरिया। ये इंश्योर करता है, कौन, SMS, मतलब शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर, ये इंश्योर करता है, मतलब निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि मैसेज को कैसे डिलीवर किया जाए डेस्टिनेशन मोबाइल के, मतलब जिस मोबाइल पे भेजना चाहते हैं उस पे कैसे डिलीवर किया जाए। यहाँ तक कि हो सकता है कि मतलब वो मोबाइल स्विच ऑफ हो तो वो मैसेज नहीं जा पाएगा, तो वो क्या करता है, SMS अपने पास रख लेता है, और जब स्विच ऑफ होगा तो फिर वो उस मोबाइल में भेज देगा, ठीक है। SMS स्टोर्स द मैसेज एंड फॉरवर्ड इट। SMS क्या करता है, स्टोर करता है मैसेज को और फॉरवर्ड करता है, मतलब भेजता है। इट वेन द मोबाइल इज स्विच ऑन और इंटर द मोबाइल नेटवर्क, जब मोबाइल क्या होता है, स्विच ऑन होता है और मोबाइल नेटवर्क जैसे उसमें आता है वो चला जाता है, ठीक है। नॉर्मली मैसेज आर डिलीवर इंस्टेंटली बट एट टाइम्स देयर कैन बी डिले ऑफ सम आवर्स ड्यू टू कंजेशंस। देखिए सामान्यतः तो मैसेज इंस्टेंट मतलब जैसे भेजे तुरंत चला जाता है, चला जाता है तो मतलब डायरेक्ट नहीं जाता, पहले SMS किया जाएगा फिर उस रिसिपिएंट के पास जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है डिले हो जाता है कुछ है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, थोड़ा सा कंजेशंस होने की वजह से क्या होता है कुछ समय के में डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है।
The beauty of SMS is that messages can be saved and received even while making voice call. और SMS की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, ये है कि मैसेज तुम भेज सकते हो और पा भी सकते हो वाइल मेकिंग वॉइस कॉल. तो मतलब जब तुम बात करते रहोगे ना तो भी वो मैसेज आ जाएगा, तुम भेज सकते हो. ठीक है. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ए वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल. ये पॉसिबल क्यों है? क्योंकि जो वॉइस कॉल, जो मुंह से हम लोग बात करते हैं, वो क्या होता है, एक रेडियो चैनल के द्वारा डेडिकेटेड रहता है. एक रेडियो चैनल से वो बात होता है, ठीक है, उस वक्त. और शॉर्ट, वाइल द शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस ओवर एंड अबव द रेडियो चैनल यूजिंग द सिग्नलिंग पाथ. और शॉर्ट मैसेज क्या करता है कि ये रेडियो चैनल के थ्रू नहीं जाता है, ये सिग्नल होता है इसका, ठीक है, जो कि रेडियो के ऊपर से होता है, तो ये उससे, उसके थ्रू जाता है. ठीक है. अब फोर्थ पैराग्राफ में हम लोग आते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज एंड रीडिंग देम जनरली वेरीज फ्रॉम हैंडसेट टू हैंडसेट. देखो, जो मैसेज भेजने का जो प्रक्रिया होता है और पढ़ने का, वो जनरली वेरी करता है. वेरी मतलब कि अलग अलग बदलते रहता है. हैंडसेट मतलब होता है मोबाइल, ठीक है, मोबाइल को कहते हैं हैंडसेट. मतलब अलग अलग मोबाइल में कुछ कुछ अलग अलग क्या होता है, ये वेरी करते रहता है. उसको मैसेज किस तरीके से वो टाइप करना है वगैरह, सेंड कैसे करना है, उसमें ये सब वेरी करता रहता है. हाउ एवर कन्फर्मेशन ऑफ मैसेज डिलीवर इज इमेजिएट एंड देर इज ऑलवे अलर्ट सिग्नल टू कन्वे द अराइवल ऑफ मैसेज. हालांकि कन्फर्मेशन होते रहता है मैसेज का, कि डिलीवरी का, कि मतलब जैसे भेजोगे तो वो भेजा गया, तुरंत भेजाता है, ठीक है. देर इज ऑलवेज अलर्ट, वहाँ पर एकदम सावधान सिग्नल होता है जो कि कन्वे करता है कि मैसेज आ गया. जैसे मैसेज आता है, बजना स्टार्ट हो जाता है ट्यून, ठीक है. फिफ्थ पैराग्राफ पे हम लोग आते हैं. SMS messages are immediate but not simultaneous like instant messaging service which allow virtual real-time text conversation with people who are simultaneous logged on to the internet. देखो, SMS जो मैसेज होता है ये इमेडिएट होता है, मतलब तुरंत होता है, लेकिन साइमल्टेनियस नहीं होता है. साइमल्टेनियस का इमेडिएट मतलब होता है तुरंत, और साइमल्टेनियस का मतलब होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है. तो ये ऐसा नहीं होता जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस में होता है. जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि जैसे अभी मैसेज किए तो फटाफट भेजते जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, शॉर्ट मैसेज तुरंत तो चल जाएगा लेकिन कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है. अब हम लोग आज के समय में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एक टेक्स्ट भेजें फिर हम लोग दूसरा टेक्स्ट भेज सकते हैं, ठीक है. तो आज के ज़माने में क्या है, इंटरनेट है. वो उस वक्त में क्या था कि इंटरनेट नहीं था, तो उस वक्त इमीडिएट जाता था, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस की तरह नहीं, जो कि अभी चलता है. ये लोग बात करते रहते हैं इंटरनेट पे, एक के बाद एक, मतलब अपना साइमल्टेनियसली लॉग्ड किए जाते हैं कन्वर्सेशन को, मतलब दर्ज किए जाते हैं, लिखते जाते हैं, फटाफट जाते जाता है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, ठीक है. अब सिक्स पैराग्राफ पे चलते हैं. Access to SMS is generally free and beginner has only to register the network service center into his or her handset. The message service center number of for BSNL is ये, ठीक है. SMS का देखो, एक्सेस पाना मतलब उससे, उसको प्राप्त करना बहुत ही फ्री होता है, ठीक है, बिगनर के लिए. सिर्फ उनको क्या करना होता है, नेटवर्क में रजिस्टर करना होता है. जो सर्विस सेंटर है जो प्रोवाइड करता है SMS सर्विस, उसके पास तुमको रजिस्टर करना होता है, ठीक है. और ये BSNL का नंबर होता है जिससे तुम मैसेज करके तुम अपने को रजिस्टर कर सकते हो, तो ताकि तुम SMS का यूज़ कर सको, ठीक है. द सेवन पैराग्राफ आते हैं हम लोग. द लॉन्च ऑफ SMS ओपन ए न्यू विस्टा इन द फील्ड ऑफ टेक्स्ट कम्युनिकेशन. देखो, जो एरिया है विस्टा इन द फील्ड, मतलब जो SMS जो लॉन्च हुआ है, एक नया मार्ग खोला है. टेक्स्ट कम्युनिकेशन मतलब लिख कर, टेक्स्ट मतलब होता है वर्ड, मतलब वर्ड हम लोग वर्ड से हम लोग बात करते हैं लिख कर, ठीक है. तो वो एक नया फील्ड क्रिएट किया है कि आराम से लिख कर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है. प्रोवाइडिंग ए न्यू इजी वे टू पीपल टू कम्युनिकेट. ये एक आसान तरीका दिखाया है कि लोग क्या करें, आसानी से बात कर सकते हैं, ठीक है. द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर 164 GSM नेटवर्क एट प्रेजेंट और TDS प्रोसेस फॉर टाइपिंग फ्रॉम स्मॉल हैंडसेट कीपैड फेल टू डिटेयर द स्पिरिट ऑफ इंटरफेस. देखो, आज क्या है कि इसका लिमिटेशन, मतलब कमी ये है कि इसमें ना कुछ लिमिटेशन रहता है कि इतना ही तुम वर्ड, मतलब तुम लोग या लेटर तुम क्या करते हो, टाइप कर सकते हो,
और ये जो होता है ना केक के बाद एक हम लोग आज लिखते चलते एकदम मतलब एंथुसियास्टिक रहता है, तो वो क्या करता है फेल कर जाता है जो लिखने में, मतलब बात जब होता है तो लगातार बात होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब एक लिमिटेशन रहता है कि इतना ही वर्ड तुम लिख के फिर तब भेजोगे, फिर वो भेजाएगा तो फिर तुम फिर से क्या करोगे उसको फिर टाइप करोगे इतना वर्ड फिर भेजोगे, तो मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है इसमें ज़्यादा। ये ठीक है। SMS रेवोल्यूशन डेट टूक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ ग्लोब। देखो SMS का जो रेवोल्यूशन हुआ पहले इसका जो जड़ है वो यूरोप में था और फिर ये स्लोली स्प्रेड हुआ, मतलब धीरे धीरे स्प्रेड मतलब बढ़ता चला गया पृथ्वी के पूरे भाग में। ठीक है। स्पेशली एशिया फ्रॉम द फर्स्ट सॉट मैसेज बिलीव हैव बीन सेंट इन द डिसम्बर 1992 फ्रॉम PC टू ए मोबाइल फ़ोन ऑन ए वोडाफोन GSM नेटवर्क इन द UK। SMS हैज कम लॉन्ग वे टूडे। देखो ये ऐसी स्पेशली मतलब ख़ास तौर पर कहाँ से पहले स्टार्ट हुआ था, एशिया से। ठीक है। और ऐसा बिलीव किया गया कि दिसंबर 1992 में इसको PC मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल ने वोडाफोन पे GSM नेटवर्क के थ्रू UK में क्या किया गया, मैसेज किया गया SMS से। ठीक है। और SMS अब क्या हो गया है? आज के समय में तो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है। इसी से लोग मैसेज कर लेते हैं। जजिंग बाई इट्स सक्सेस एट पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। जजिंग बाई इट्स सक्सेस मतलब इसकी जो उन्नति का जज करना है। एट प्रेजेंट नॉट मैनी वुड बिलीव डैट SMS हैड वेरी साइलेंट बिगनिंग, मतलब किसी को ये विश्वास नहीं था शुरुआत में कि मतलब SMS लोग क्योंकि यूज़ करने लगे थे काफ़ी, मतलब उन लोगों को इंटरेस्ट आने लगा था बात करने में। ठीक है। तो इसके जो सक्सेस था काफ़ी लोग यूज़ करने लगे थे, लेकिन उस वक्त क्या था कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर है जो SMS का, वो मतलब इतने वो लोग बिलीव नहीं करते थे कि इसकी इतनी शांत बिगनिंग हो गई और मतलब इसके इतना सक्सेस होगा। ठीक है। Not even the cellular could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users. और यहाँ तक इस सेलुलर ऑपरेटर जो ये मैसेज का ऑपरेटर, उनको भी इसकी क्षमता का, इस सोए हुए टेक्नोलॉजी का शुरुआती में कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था। ठीक है। कि मतलब इतना आगे बढ़ जाएगा, और वो लोग सिर्फ चाहते थे कि मोबाइल की तरफ लोग यूज़र को क्या करें, अट्रैक्ट करें एडवर्टाइज़ करके। लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी हाउएवर ऑल दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, और हालांकि ये अब क्या हो गया, ये हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ठीक है। क्योंकि इसका लोग यूज़ करने लगे, एकदम शांति से इसका हुआ था कि चलो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मतलब इतना मतलब इसको इंथुसियास्टिकली नहीं लिया गया था कि इसको आगे बढ़ाना है, लेकिन जब इसके सक्सेस को देखा गया तो उसको लगा कि हाँ ये कुछ कर सकता है, इसलिए इसको क्या किया गया कि ये तो भाई अब तो देखते हो कि अब व्हाट्सएप हर मतलब चीज़ ही में मैसेज करने के लिए दे दिया गया है, चाहे तुम फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, ट्विटर चलाओ, किसी को भी तुम मैसेज व्हाट्सएप चलाओ तो सब में मैसेज का मतलब पार्ट दिया ही रहता है। तो ये क्या है, SMS का एक समझो कि नया वर्जन है, जिससे कि तुम ये SMS क्या हुआ, एक तरह से वो जड़ हुआ जहाँ से आज हम लोग इतने बड़े टेक्नोलॉजी की तरफ आ गए हैं। ये SMS क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। ठीक है। टुडे एवरी मार्केट प्लेयर फ्रॉम सेल्युलर ऑपरेटर फ्रॉम मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर टू कैप्चर इट्स शेयर ऑफ पिक। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कॉम्पेटिबल हैंडसेट 3350 टू गिव यूज़र द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेज इन। देखो अब इसके सक्सेस को देख कर क्या हुआ कि नोकिया जो मोबाइल कंपनी है इसको भी मैन्युफैक्चर करने लगे हैंडसेट, और वो अपने मोबाइल में भी क्या कैसा रखी, मतलब ऐसा ऑप्शन रखी कि ताकि लोग पहले तो इंग्लिश में बात, ठीक है, तो उसको वो क्या नोकिया वाले की कि हिंदी में भी बात करने के लिए उसमें सुविधा प्रोवाइड करे। जब देखे कि मतलब इसका मार्केट बहुत चल रहा है इसका, तो उनको भी बनाने लगी। ठीक है। अब चलते हैं 9 पैराग्राफ पे। बॉयड बाय द सक्सेस ऑफ SMS द इंडस्ट्री इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द मोर एडवांस MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस विच वुड इनेबल पिक्चर साउंड्स लॉन्गर फॉर्मेटेड टेक्स्ट टू बी सेंड टू अदर MMS इनेबल टर्मिनल्स और
ईमेल एड्रेसेस वीआ द मोबाइल। देखो अब इस एसएमएस को कि सक्सेस को देखते हुए अब इंडस्ट्री क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है मोर एडवांस एमएमएस। एमएमएस का मतलब होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, ठीक है। इसके सक्सेस को देखते हुए इंडस्ट्री जो मोबाइल बनाने वाली, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने वाली जो कंपनी है उस पर प्रिपेयर कर रही है कि इसको एडवांस और कहे, क्योंकि उसमें क्या था एसएमएस में तुमको कुछ गिने चुने वर्ड, मतलब कह सकते हो कि मतलब आपको एक लिमिटेड मतलब वर्ड्स लिखने होते थे जो कि मतलब एक भेजो फिर दूसरा भेजो ऐसा, लेकिन क्या है अब इसको एडवांस बनाया गया मल्टीमीडिया जो कि हम लोग आज यूज़ करते हैं, ताकि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्चर भी भेज सकते हैं, अपने आवाज़ को बोल के भेज सकते हैं, कोई बड़े बड़े टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, टेक्स्ट मतलब वर्ड्स लिख सकते हैं, इसमें वो नहीं है कोई लिमिटेशन, तुम जितना मन लिखो भेजो मैसेज, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ताकि वीआ मोबाइल का मतलब कि मोबाइल के ज़रिए हम लोग कोई भी मैसेज, कितना भी फ़ोटो साउंड पिक्चर जो भी हो व्हाटएवर जो भी भेजना चाहते हो तो तुम भेज सको, ठीक है, और ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ भेज सकते हो मोबाइल के द्वारा, ठीक है। तो यही था, तो आप बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। तो शॉर्ट में हम पहले जान लेते हैं, थैंक यू।